देश की पहली रीजनल रैपिड रेल के ट्रायल रन की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रैपिड रेल का काम तेजी के साथ चल रहा है। रीजनल रैपिड रेल के प्रायोरिटी सेक्शन यानी कि साहिबाबाद से दोहाई के बीच संचालन मार्च में शुरू होना है, जिसको लेकर अब ट्रायल रन की शुरुआत कर दी गई है। ट्रैक और ट्रैक्शन के परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान ट्रेन को दोहाई स्टेशन से चलाकर गुलधर स्टेशन पर ले जाया गया, जिसमें ट्रेन की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई। यहां तक ओएचई का प्रदर्शन सफल रहने के बाद ट्रेन को गाजियाबाद स्टेशन की ओर आगे बढ़ाया गया और स्टेशन से पहले क्रॉसओवर से ट्रेन को वापसी के लिए तैयार किया गया। इस दौरान ट्रेन को ऑपरेटर ने ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत मैनुअल तरीके से चलाया। गाजियाबाद से वापसी के दौरान ट्रेन को ओएचई के परीक्षण के लिए 25 किलोमीटर की रफ्तार तक चलाया गया। वापसी में भी ट्रेन को गुलदर स्टेशन और फिर दोहाई स्टेशन पर रोका गया और फिर दोहाई डिपो स्टेशन पर लाया गया। इस पूरे सेक्शन के ओएचई इंस्टॉलेशन का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जल्द ही प्रायोरिटी सेक्शन पर पूर्ण रूप से चार्ज कर दिया जाएगा। अब जल्द ही हाई स्पीड ट्रायल रन की शुरुआत की जाएगी।